ओम शांति। प्रभु प्रेम, प्रभु प्राप्ति, पवित्र जीवन, अध्यात्मता की साधना के द्वारा मस्त फकीर, त्याग और तप की आदरणीय दादी जानकी जी दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। दादी जी की साथ मेरी मुलाकात 1957 में अमृतसर की पवित्र धरा पर हुई। दादी जी का सादा जीवन ऊंच विचार देकर मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गई और दादी जी ने हम सब के अंदर एक अध्यात्म ज्ञान की ज्योत जगाई। आध्यात्मिकता सच्चा सच्चा मार्ग प्रदर्शक है जो हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है और एकाग्रता लाता है, जिसका समावेश मैंने दादी जी के जीवन के अंदर देखा और मेरे अंदर भी बाल्यकाल में यही एक दृढ़ संकल्प रहता था कि मैं एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीकर एक सभ्य समाज का निर्माण करूं। और दादी जी को देखने के बाद मेरा ये संकल्प और भी दृढ़ होता गया और दादी जी ने मुझे सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिकता की ज्योत, ज्ञान की ज्योत जगा दी। आत्मिक ज्योत जलने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी लगन पैदा हो गई कि जीवन बनाना है तो दादी के समान ही बनाना है। दादी जी का जीवन एक खुली किताब के रूप में था, जिसका एक एक पन्ना खोल करके देखे तो हमें बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने, सीखने और स्वरूप बनने के लिए मिलता था। दादी जी एक नामी और एक नामी की अवतार थी। दादी जी समय को बहुत महत्व देती थी, हर काम बहुत एक्यूरेट तरीके से करती थी और दादी जी के अंदर अमृत वेला और मुरली क्लास का बहुत महत्व था, जो हम सब को भी उसका महत्व अच्छी प्रकार से दिलाती थी। दादी जी सदा प्रभु प्रेम में लवलीन रहती, सच्ची सच्ची प्रभु प्रेमिका के रूप में थी और सदा ईश्वरीय रंग में रंगी रहती थी और हम सबको भी उस ईश्वरीय रंग में रंगने का हर संभव पुरुषार्थ करती थी। दादी जी हर पुरुषार्थी के अंदर त्याग, तपस्या, वैराग्य की नींव डालती थी और कहा करती थी, त्याग से बल मिलता है, तपस्या से तेज आता है और वैराग्य से निखार आता है। दादी जी को सदा उस ईश्वरीय लगन में लगी हुई आत्माएं बहुत पसंद आते थे। दादी जी जैसी प्रातःकाल अमृत वेले के समय को महत्व देती, इसी प्रकार नुमा शाम के समय को भी बहुत बहुत महत्व देती और आधा घंटा योग के बाद हम सब की क्लास कराती और उसमें विशेष 5 उंगलियों के ऊपर दादी जी का पूरा ध्यान रहता और सदा दादी जी के अंतर्मन से एक ही आवाज़ निकलता, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किस लिए। और ये आवाज़ इतना हम सब के मन को छूने वाला होता कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, तो यही संकल्प पैदा होता कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ और मैं इस धरा पर संसार के अंदर एक नया मोड़, एक नई दिशा लाने के लिए आई हूँ।
दादी जी बहुत अपने आप को सशक्त और महान बनाने के लिए बीच बीच में अंतर्मुक्ता की कुटिया में चली जाती। अंतर्मुक्ता की कुटिया गुणों और शक्तियों की खान है। दादी वहाँ बैठकर अपना स्व का निरीक्षण करती, स्व अध्याय करती, स्व चिंतन करती, समर्थ चिंतन करती और अपने आप को एक साक्षात मूर्त बनाने के लिए सब प्रकार का वो पुरुषार्थ करती थी। और विशेष मौन के ऊपर दादी जी का ध्यान रहता था। दादी जी मन का मौन कैसे रहे, मेरा मन एक ईश्वरीय लगन में सदा कैसे लगा रहे, उसके ऊपर दादी जी का व्यक्तिगत भी ध्यान था और हम सबको भी उसी सांचे में डालने का हर संभव पुरुषार्थ करती रहती थी। 1957 58 की बात है, दादी जी अमृतसर में रहती थी और अमृतसर में दादी जी के साथ कुछ कुमारियां भी रहती थी। उस समय ब्रह्मा कुमारी को कोई नहीं जानता था और यज्ञ का भी बेगरी पाठ चल रहा था। तो एक दिन मैं दिन के टाइम पर वहाँ गई तो मैंने क्या देखा, दादी जी कुमारियों के साथ कुछ शालों की कढ़ाई कर रही है और सिलाई भी कर रही है। तो मैंने बहुत आदर पूर्वक दादी से पूछा, दादी जी आप क्या कर रहे हैं? तो दादी जी ने कहा, मैं समय का सदुपयोग कर रही हूँ, हमारे पास समय होता है और मैं यही चाहती हूँ कि मेहनत करके खाया जाए। बाबा भी हमें कहता है, मेहनत में ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। तो मैं कुछ शाले ले आती हूँ और उसकी कढ़ाई सिलाई करके वापस दे करके आती हूँ। तो दादी जी का इस प्रकार आत्मनिर्भर होकर के चलना और सदा ईश्वरीय लगन में लगे रहना मुझे बहुत पसंद आया और मैंने भी अपने जीवन की ये धारणा बना ली कि मुझे जीवन बनाना है तो ऐसा ही बनाना है। और दादी जी का जीवन शैली इतनी महान, इतनी त्याग और तपस्यामय होती और इतना दिव्य गुणों का प्रकाश दादी जी के रोम रोम से निकलता जिससे हम सबको बहुत पसंद आता। मुझे उन पलों की भी याद आती है। 1960 दिसंबर मास में जब बाबा बॉम्बे में थे, बाबा ने हम बच्चों को, सुंदरलाल जी और मेरे को, बॉम्बे में बुलाया और दीदी मनमोहिनी हमारे साथ गई थी। तो दीदी मनमोहिनी एक धनवान परिवार को बिलोंग करती थी। दीदी चाहती थी कि बाबा ने एक बहुत बड़ा काम किया है वो मैं अपने मित्र संबंधियों को भी दिखाऊं। तो दीदी हमेशा मुझे कलरफुल कपड़े पहनने के लिए कहती, परंतु मेरी त्याग और तपस्या और विरक्त भावना होने के कारण मैं उसको इतना दीदी की आज्ञा को नहीं मान पाती। बाबा भी मेरे अंदर की वृत्तियों को जानने के लिए देश विदेश की तरह तरह सुंदर कपड़े मेरे सामने और सुंदर आभूषण रखते और कहते, बच्ची इसको पहनो। और कभी मजाक में भी बोलते, भगवान तेरे को कह रहा है तू नहीं मानोगी। तो मैं बाबा को बड़े प्यार से कहती, बाबा ये मेरे अनुकूल नहीं है। और त्याग और तपस्या की मूरत जान की दादी भी मेरे कान में आकर के कहती, शुक्ला तेरी परीक्षा हो रही है, तुझे इस परीक्षा से पास विद ऑनर होना है। जिस उद्देश्य से
तूने ये जीवन अपनाया है। मेरी शुभ भावना यही है कि तेरा जीवन सफल हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, सच्चे त्याग और तपस्या वाला हो। तो दादी जी, ऐसी हम जैसी आत्माओं को देखकर बहुत खुश होती और कभी कभी मेरे को बोलती, तू मेरी पहली कन्या है। और कुछ वर्ष पहले दादी जी ने मुझे एक शब्द बहुत सुंदर शब्दों में मातृ स्नेह देते हुए, नज़र से निहाल करते हुए कहा, शुक्ला, मैंने जो तुझ पर उम्मीद रखी थी, विश्वास रखा था कि तू मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण करते हुए अपने जीवन को दिव्य गुणों से और सजाते हुए त्याग और तपस्या को धारण करते हुए तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जब मैंने दादी के इस तरह के बोल सुने तो मुझे और भी दादी जी के द्वारा प्रेरणा मिली कि जीवन हो तो ऐसा हो। दादी की जीवन शैली से सब लोग बहुत प्रभावित होते थे। दादी जी जो अंतर मन से मैं कौन, मैं किसकी, मेरा कौन, ये दो शब्द मैं कौन मेरा कौन बोलती, तो उसका प्रभाव बड़े बड़े हस्तियों को भी पड़ता, बड़े बड़े संत महात्मा को भी बताता कि 104 वर्ष की आयु में भी दादी जी को एक ही लगन है कि संसार का कोई कोना न रह जाए जिसमें परमात्मा पिता का संदेश न पहुंचा हो। उसके लिए गाने माने लोग देश विदेश के बहुत उनके जीवन से प्रभावित होते कि हजार इस संदेश को देने के लिए वो हजारों मीलों की यात्रा करती और कई घंटे विमान यात्रा भी करती और जरा भी थकावट का नाम नहीं होता। और ऐसी महान हस्ती को देख करके बहुत, और मैं कौन और मेरा कौन अंतर मन के इन शुभ शब्दों को सुनते ही लोग नतमस्तक हो जाते थे। दादी बहुत शुद्ध हृदय थी और वो जो सोचती थी बाबा उसकी मनोकामना को पूर्ण करता था। वो कुछ सालों से एक बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं जब शरीर का त्याग करूं तो मेरे शरीर पर कोई खर्चा ना किया जाए, ये फूल मालाएं मेरे पर नहीं डाली जाए और मेरा पार्थिव शरीर उस परमात्मा की को ऐसे ही शुद्ध भावनाओं से अर्पित किया जाए। तो आप और हमने देखा दादी जी के उस शुद्ध संकल्पों ने संसार के अंदर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया कोरोना वायरस के कारण, जिसमें हम दादी जी ने ऐसे समय पर इस पार्थिव शरीर का त्याग किया जिस समय हम में से कोई उस समय नहीं पहुंच पाया। और दादी जी ने अपने संकल्प को पूरा किया, प्रकृति ने भी उनको बहुत सहयोग दिया। तो ऐसी त्याग तपस्या वैराग्य की एक ही लगन में सदा मगन रहने वाली सत्वप्रधान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने वाली दादी जी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ।
और दादी जी की जीवन धारा से मैं यही सीखना चाहती हूँ और यही आप सबको शुभ संदेश, शुभ भावना और शुभकामना के रूप में देती हूँ कि दादी के समान हम भी इस संसार के अंदर से ऐसी विदा सतोप्रधान संपन्न और संपूर्ण बनकर के विदा लें, अपने पवित्र धाम में जाकर के एक जागती ज्योत के रूप में रहें। ऐसी दादी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत प्यार से नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनाया और संसार का एक सच्चा हीरे तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरित किया। ओम शांति।